जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के विरोध में बिलासपुर के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को बजरंग दल और अन्य युवाओं ने गुरुद्वारा चौक पर एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। युवाओं ने पुलवामा के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इस ओर केंद्र सरकार से उचित कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर बार देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं, पर अब केंद्र सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं कल जो हादसा हुआ पुलवामा में हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं और यहां के जो स्थानीय युवा हैं उनमें इसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम इस चीज़ की निंदा करते हैं। कल जो कश्मीर के पुलवामा में हमारे भारतीय जवानों के साथ पाकिस्तान का एक जो हमला, नपुंसक हमला किया गया, उसकी बजरंग दल घोर निंदा करता है। बिलासपुर के युवा वर्ग में बहुत भारी आक्रोश इसको देखने के लिए मिल रहा है। हम आज यहाँ के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब डायरेक्ट अटैक का समय आ चुका है और आतंकवाद का जो सर है उसे कुचलने का समय आ चुका है। आज यहाँ पर जो युवा साथी यहाँ आए हैं, हमने जैश ए मोहम्मद, आतंकवाद और पाकिस्तान का जो पुतला फूका, ये संकेत करता है कि हिमाचल का जो हमारे ज्वाली के अमर जवान एक तिलकराज शर्मा जी शहीद हुए, उनकी शहादत को असली नमन तब होगा जब डायरेक्ट अटैक होगा और आतंकवाद का सिर कुचला जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।